हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ होल व्हीट पकोड़ा, वेरी डिफरेंट वेरी न्यू रेसिपी ऑन यूट्यूब। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। बहुत क्रिस्पी से ये पकौड़े होते हैं और ये हम होल व्हीट के साथ बना रहे हैं। सबसे पहले हमने एक बिग बॉल लेना है जिसमें हम अपना पकोड़े का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। टू मीडियम साइज अनियन जो कि फाइन साइज में किए हुए हैं मैंने इसको इस तरह से, ताकि इसके सारे पार्ट्स अलग हो जाएं। इसको सेपरेट सेपरेट कर लें हैंड से या स्पून की मदद से। उसके बाद टू मीडियम साइज टैटोस, ये भी मैंने बहुत फाइन स्लाइस में किए हुए हैं। अच्छे से फाइन स्लाइस में होंगे उतने ही क्रिस्पी और कुरकुरे से हमारे ये होल व्हीट पकोड़े रेडी होंगे। आफ्टर दिस आई विल पुट हाफ स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट विदाउट एनी वाटर, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। के बाद टू मीडियम साइज ग्रीन चिलीज फाइन चॉप्ड, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। वन स्पून साल्ट, यू कैन ऐड दिस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हाफ स्पून क्रश रेड चिली, वन स्पून धनिया पाउडर, ये मैंने कूट लिया है धनिया को, साबुत धनिया को, और वन स्पून क्यूमिन पाउडर सफ़ेद जीरे को, ये मैंने कूट के बनाया है। इसके बाद ऐड करेंगे 3 to 4 स्पून होल व्हीट और वन स्पून कॉर्नफ्लोर, आप इसकी जगह राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को हम कर लें अच्छे से मिक्स विदाउट एडिंग एनी वाटर, क्योंकि जब साल्ट पानी के वो अनियन के साथ रिएक्शन करता है तो अनियन पानी छोड़ता है, वही इनफ होगी हमारे मिक्सचर के लिए। ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना मिक्सचर को, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है, क्योंकि जितना पतला हमारा पकौड़े का मिक्सचर होता है उतना ही ज़्यादा वो ऑयल यूज़ करता है फ्राई के टाइम। इसलिए हमने इसको जस्ट सॉफ्ट होने का टाइम देना है 10 to 15 मिनट्स, इसे वेट नहीं होने देना। 10 to 15 मिनट्स हो कवर करके आपने इसे रखना है। मैंने इसे 10 मिनट से कवर किया हुआ था और आप देख सकते हैं कि ये देखें किस तरह से ये नरम पड़ गई है। ऑयल ने वो अनियन ने जो पानी छोड़ा था उसमें ये सॉफ्ट हो चुके हैं और मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए आप इसे ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसलिए ही पानी ऐड नहीं किया जाता जब आपने सुपर क्रिस्पी से पकोड़े बनाने होते हैं। अब मैंने स्टोव पे फ्राई पैन रखा था, ऑयल डाला उसमें गर्म करने के लिए। वन अनियन या पोटैटो डाल के देख लेते हैं हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। बबल्स बनना शुरू हो गए, मीन्स कि ऑयल अच्छे से गर्म है। तो हम इस तरह से डालते हैं, इस तरह से, और ज़बरदस्त से सुपर क्रिस्पी गोल्डन गोल्डन से पकौड़े बना लेते हैं। साइड प्यारा सा गोल्डन सा हुआ है तो मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है और दूसरी साइड को भी प्यारा सा गोल्डन सा करूँगी और उसके बाद इसको निकाल लूँगी। आप देख रहे हैं कितने सुपर क्रिस्पी से ये रेडी हो रहे हैं और उतने ही मज़े के होते हैं ये और झटपट बन जाते हैं। तो 2 मिनट्स हमने दूसरी साइड को भी देने हैं और उसके बाद इसको फ्राई अच्छे से गोल्डन करके निकाल लेना है। साइड से देखिए कितने सुपर क्रिस्पी से गोल्डन से हो गए हमारे पकौड़े, तो इसे हम निकाल के प्लेट में कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारे होल व्हीट आलू प्याज के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो ज़रूर इसे ट्राई करें और सुपर क्रिस्पी आप देख सकते हैं कि ये रेडी हुए हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही सिंपल, झटपट रेडी हो जाते हैं फौरन से जब भूख लगे। बेस्ट फॉर स्नैक्स, आप ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं इनक्रेज होती रहूँ, उसी तरह से अच्छी झटपट रेसिपीज आपके लिए लेके आती रहूँ। मेरे साथ मैं अपनी डेली की रूटीन की कुकिंग हो या दावतों की तमाम हो से और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा आसान। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।